अगर तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं तो बता मुझे कि तू मुझसे मेरी शक्तियां कैसे छीन रहा है। मैं तुझ पर वार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? युग काले साय को एकटक देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, कैसे मैं तुम्हारी शक्तियाँ ले रहा हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। काला साया युग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तू झूठ बोल रहा है मुझसे, मुझे पता है कि तुझे सब पता है, बस तू मुझे बताना नहीं चाहता है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है, कैसे मैं तुम्हारी शक्तियाँ अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शक्तियाँ खुद मेरे पास आना चाहती हैं। काला साया पलट कर कहता है, लगता है तू ऐसे कुछ नहीं बताने वाला, मुझे अच्छे से पता है मुझे तेरी जुबान कैसे खोलनी है। इतना कहकर काला साया अपने दूसरे हाथ की तरफ नजरें करने लग जाता है और देखते ही देखते काले साये का दूसरा हाथ एक तेज धारदार तलवार के रूप में बदल जाता है। उस तलवार को देखकर सिर्फ कछुए की जान हलक में नहीं आई थी बल्कि युग की जान भी हलक में आ गई थी, क्योंकि उन दोनों ने ही अंदाजा लगा लिया था कि वो काला साया उस तलवार से क्या करने वाला था। काला साया फिर युग से पूछ पड़ता है, तो अब बता युग, क्या तुझे नहीं पता कि मेरे हाथ आगे बढ़ाते ही तू मुझसे मेरी शक्तियाँ कैसे छीन लेता है? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। काला साया नाटक करते हुए कहता है, तुझे ये नहीं पता ना कि तू कैसे मेरी शक्तियाँ ले लेता है, तो फिर यही बता दे पहले मैं क्या काटूं। काला साया तलवार की पैनी नोक को कछुए के पैर के पास ले जाते हुए उस पर खरोच मारते हुए कहता है, पहले मैं तेरे दोस्त का पैर काटूं? कछुआ दर्द से कराहना शुरू कर देता है क्योंकि काले साये ने कछुए के पैर में तलवार की नोक गड़ानी शुरू कर दी थी। कछुए के पैर से खून निकलने लग गया था। युग अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम लहजे के साथ कहता है, देखो ऐसा मत करो, रुक जाओ, मेरे दोस्त को जाने दो यहाँ से। काला साया नाटक के साथ पलट कर कहता है, जाने दूंगा युग, पर पहले तू मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे। काला साया तलवार से कछुए के पैर घसीटते हुए कहता है, बताना पहले मैं क्या काटूं, पैर काटूं या फिर हाथ काटूं? इतना कहकर काला साया तलवार को कछुए के हाथ की तरफ ले जाता है और उसके हाथ पर तलवार की नोक से खरोचने लग जाता है। कछुआ और ज्यादा दर्द से कराहना शुरू कर देता है। उसके हाथों से भी खून की बूंदें निकलने लग जाती हैं, जो टप टप की आवाज करते हुए फर्श पर गिरने लग गई थी। अगले ही पल काला साया तलवार को सीधे कछुए की गर्दन पर रखते हुए कहता है, या फिर मैं सीधे इसका गला काट दूं? जैसे ही काला साया तलवार को कछुए की गर्दन पर रखता है, युग और कछुआ दोनों ही और ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ एक तरफ कछुए ने और कसकस कर दर्द से कराना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ युग का दिल भी जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। काला साया फिर युग से बोल पड़ता है, युग तूने अभी तक मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तू मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे, बताना पहले मैं क्या काटूं, तेरे दोस्त का पैर काटूं, हाथ काटूं या फिर सीधे गला काट दूं? युग समझ गया था कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उस काले साये को मनाने की, पर वो काला साया उसकी बात नहीं मानने वाला और वो ऐसे ही कछुए को नहीं छोड़ने वाला, उसे कुछ करना ही होगा। युग भी नाटक करते हुए अपने कदम चुपके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, तू जानना चाहता है ना कि मैं तेरी शक्तियाँ कैसे लेता हूँ, मैं तुझे सब बताऊंगा, बस पहले तू मेरे दोस्त को जाने दे। काला साया हंसते हुए कहता है, तूने मुझे अपने दोस्तों की तरह मूर्ख समझा है क्या युग? ये कछुआ ही तो मेरे यहाँ से जाने की चाबी है, इसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? युग धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाते हुए काले साये के पास जाने की कोशिश करने लग जाता है। काला साया युग की इस चालाकी को समझ लेता है और तब भी जानबूझकर नाटक के साथ कहता है, अब मुझे कुछ नहीं जानना युग, बस तू तो मुझे ये बता दे पहले मैं क्या काटूं। देख अगर मैं तेरे इस दोस्त का पैर काटूंगा तो ये चल नहीं पाएगा, हाथ काटूंगा तो ये कुछ पकड़, और गला काटूंगा तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक काम करता हूँ, सीधे गला ही काट देता हूँ, इस कछुए की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इतना कहकर काला साया तलवार को कछुए के गले पर सटाने लग जाता है। कछुए के गले से भी खून बहने लग जाता है, वो दर्द से फिर कराहने लग जाता है। युग कछुए को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हुए कहता है, नहीं ऐसा मत करना, रुक जा। कछुए की दर्द से कराहने की चीख सुनाई देती है, फर्श पर लगातार खून टपकने लग जाता है। युग भागते हुए काले साये के पास पहुंचता, उससे पहले ही काला साया अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है और उससे स्थानांतरण द्वार बनाने लग जाता है। कमरे के अंदर चारों तरफ ढेर सारा धुआं छाने लग जाता है। इतना सारा धुआं कि युग को ना ही कछुआ दिखाई दे रहा था और ना ही काला साया, उसे बस दर्द से कराहती हुई कछुए की चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे काले साये ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी हो। युग तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कमरे के अंदर फैला धुआं भी युग के हाथ में समाहित होने लग जाता है। युग कछुए को पुकारते हुए कहता है, कछुआ कछुआ। युग ज्यादा धुआं अपने अंदर समाहित कर पाता उससे पहले ही वो पूरा धुआं अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है।
जब युग को कमरे के अंदर मौजूद चीजें नजर आने लग जाती हैं, तो वो देखता है कि कमरे के अंदर ना ही काला साया था और ना ही कछुआ। फर्श पर कछुए का ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। कछुए का खून देखकर उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार कछुए का तलवार से गला काटते हुए दृश्य आने लग जाता है। युग धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और फर्श पर ही जाकर बैठ जाता है। युग फर्श पर पड़े कछुए के खून को अपने दोनों हाथों से छूते हुए रोते हुए कहता है, कछुआ कछुआ कछुआ। युग रोते रोते ही अपने हाथ फर्श पर फेरने लग जाता है, जिससे उसके दोनों हाथ खून से सन जाते हैं। युग रोते हुए ही खुद से कहता है, मैं नहीं बचा पाया कछुए को, उसने मार दिया उसने कछुए को। युग अपने हाथ फर्श पर फेरते हुए रोते रहता है, जैसे सारी उसकी गलती हो। वो अपने आप को कसूरवार ठहराने लग जाता है। कमरे के अंदर युग के रोने की आवाज गूंजने लग जाती है। वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। युग कमरे में बैठकर रो ही रहा था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, पर युग का जरा सा भी ध्यान उन कदमों की आहट पर नहीं जाता है। वो बस फर्श पर बैठे रहता है, एक टक कछुए के खून को देखते रहता है। उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि रज्जन आया था। जब रज्जन युग के खून से सने हुए हाथ देखता है तो एक पल के लिए वो भी हैरान रह जाता है। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ युग से पूछता है, ये किसकी आवाज थी? क्या किया तूने? किसे मारा तूने, बता। युग रज्जन के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है, बस फर्श पर फैले खून की तरफ देखते रहता है, जैसे वो किसी और ही सोच में खोया हुआ हो। रज्जन गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मुझे पता था तू भी अपने बाप की तरह ही है एक भक्षानर, तू कभी नहीं बदल सकता। इससे पहले कि तू किसी और को मारे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा आज। युग अभी भी रज्जन की बातों का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। रज्जन युग को मारने के लिए अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है। तभी उसे कमरे में एक बड़ा सा डंडा नजर आता है। रज्जन उस डंडे को उठाता है और उससे युग के सिर पर वार करते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं भक्षानर की औलाद। इतना कहकर रज्जन अपनी पूरी जान से युग के सिर पर उस डंडे से वार कर देता है। जैसे ही वो डंडा युग के सिर पर पड़ता है, युग के सिर से खून बहने लग जाता है, पर वो जरा सा भी दर्द से कराहता नहीं है। वो तो अभी भी कछुए के गम में गमगीन था, अभी हुए हादसे की यादों में खोया हुआ था। उसके कानों में तो अभी भी कछुए की दर्द से कराहती हुई आवाज गूंज रही थी। रज्जन यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि युग के सिर पर लगातार उस डंडे से वार करते रहता है। वो तब तक युग को उस डंडे से मारते रहता है जब तक वो थक नहीं जाता है। लेकिन युग पर जरा सा भी उस डंडे की मार का असर नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह पर से जरा सा भी हिला नहीं था। युग के हाथ पैरों से भी खून निकलने लग गया था। रज्जन डंडे को नीचे फेंकते हुए गुस्से के साथ कहता है, लगता है इस डंडे से कुछ नहीं होने वाला है। तो इंसान थोड़ी है जो इस डंडे की मार का तुझ पर कुछ असर होगा। तू भक्षानर जो बन गया है, तेरी मोटी चर्बी के साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। रज्जन एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, बहुत दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी शक्तियां मुझे वापस मिले और मैं तुम भक्षानरों से सबका बदला लूं। आज वो दिन आ गया है, मैं तुझे नहीं बख्शने वाला। इतना कहकर रज्जन अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेता है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युग को मारने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। देखते ही देखते रज्जन के दोनों हाथों के बीच में सुनहरे रंग की गोल चीज चमकने लग जाती है, जैसे वो उसकी सुनहरी शक्तियों का कांटेदार गुच्छा हो, जिससे वो युग पर वार करने वाला था। उस गोल चीज के बाहर सुनहरे नुकीले कांटे उभरे हुए थे। रज्जन युग को देखते हुए फिर बोल पड़ता है, तेरी जगह इस पृथ्वी लोक में नहीं है भक्षानर, नर्क में है, अब जा नर्क में। इतना कहकर रज्जन उस सुनहरे कांटेदार गोल गुच्छे को युग की तरफ फेंक देता है। वो सुनहरे रंग का कांटेदार गुच्छा हवा में उड़ते हुए युग के पास जाने लग जाता है। वो सुनहरा गुच्छा युग के चेहरे पर पड़ता उससे पहले ही एक सफेद रोशनी आती है जो उस सुनहरे गुच्छे से टकराती है और वो सुनहरा गुच्छा हवा में ही एकदम से नष्ट हो जाता है। ये देखकर रज्जन के होश उड़ जाते हैं। उसके समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया था, क्योंकि युग तो अपनी जगह पर बैठा ही हुआ था। जिस तरफ से वो सफेद रोशनी आ रही थी, उस तरफ रज्जन जब अपनी नजरें करता है तो देखता है कि वहां पर यामिनी खड़ी हुई थी। उसी के हाथ से सफेद रोशनी निकल रही थी। उसी ने रज्जन के द्वारा बनाए हुए सुनहरे कांटेदार गुच्छे को चुटकियों में नष्ट कर दिया था। यामिनी रज्जन को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? आपकी हिम्मत कैसे हुई दैवीय शक्ति से मेरे युग बाबू को मारने की? आप जानते हैं ना, अगर ये दैवीय शक्तियां युग बाबू को छू लेती तो क्या होता? रज्जन घबराते हुए कहता है, मुझे ये करना पड़ा यामिनी बेटी, इस भक्षानर युग के कारण। तुम जानती हो इसने क्या किया? यामिनी रज्जन की बातों पर जरा भी ध्यान ही नहीं देती है। उसने युग की तरफ भी नहीं देखा था।
वो अपने ही मन के सवाल रज्जन से पूछ पड़ती है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना आप मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? रज्जन यामिनी को सब कुछ बताते हुए कहता है, मुझे पता है यामिनी बेटी, तुमने मुझे यहाँ पर आने से मना किया था, पर तुम ही बताओ मैं क्या करता। मैंने एक महीने तक बहुत सोचा कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम खुद जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कामेश्वरी यक्षिणी को नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम्हें मनाने के लिए, पर जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसा तो मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। और जब मैं यहाँ इस कमरे में आया तो मैंने यहाँ इस भक्षानर युग को देखा और ये यहाँ पर। रज्जन इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ग्रेवयार्ड कोठी के बाकी लोग, अभिमन्यु, डायना और पलक भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर घुसते हैं, कमरे के हालात देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और वो चीखने की आवाज किसकी थी? रज्जन तुरंत युग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो चीखने की आवाज तुम्हारे दोस्त की ही थी, इस युग ने मार दिया तुम्हारे दोस्त को। रज्जन की ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युग के हाथ खून से सने हुए थे और वही चीज काफी थी युग को गुनहगार ठहराने के लिए। युग अभी भी खामोशी के साथ ही फर्श पर बैठा हुआ था। कछुए की मौत का इतना गहरा सदमा लगा था कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। सब युग को खूनी की नजरों से देखने लग गए थे। यामिनी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है और युग के पास जाकर उससे हिचकिचाते हुए पूछती है, ये खून किसका है युग बाबू? युग कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश रहता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोल पड़ती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ युग बाबू, बोलिए ये खून किसका है? युग फर्श पर खून देखते हुए ही मायूसी के साथ कहता है, कछुआ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग फर्श पर खून को देखते हुए ही मायूसी के साथ कहता है, कछुआ। जैसे ही बाकी सब युग के मुंह से कछुए का नाम सुनते हैं, सबके दिल दहल जाते हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभिमन्यु को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि युग ने कछुए को मार दिया था, पर जब वो अपने आसपास बाकी सबको पाता है और कहीं भी कछुए को नहीं पाता है तो उसे भी युग पर शक होने लग जाता है। वो उसे कातिल की नजरों से देखने लग जाता है। कोई युग से कुछ कहता उससे पहले ही रज्जन गुस्सा करते हुए युग से फिर बोल पड़ता है, मैंने कहा था ना इसने मारा है अपने दोस्त को, अब तो तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन हो गया ना, इसी ने कछुए को मारा है। यामिनी अभी भी युग का साथ देते हुए कहती है, नहीं नहीं मेरे युग बाबू कभी कछुए को नहीं मार सकते, कछुआ तो उनका जिगरी दोस्त था, वो भला कछुए को क्यों मारेंगे, जरूर हमसे युग बाबू को समझने में कोई गलती हो रही है, बात कुछ और ही है। यामिनी अगले ही पल युग के पास जाकर बैठती है और उसे अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए कहती है, युग बाबू देखिए ये सब ना क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपने कछुए को मारा है, बता दीजिए इन्हें सच क्या है, कहां पर है कछुआ? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, वो अभी भी कछुए के गम में ही डूबा हुआ था और अपने होशो हवास खो बैठा था। यामिनी युग पर फिर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं युग बाबू, कुछ तो बोलिए मुझसे, आपकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बोलिए युग बाबू। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना मुंह बनाते हुए बोल पड़ती है, युग क्या बोलेगा यामिनी, खूनी कभी खुद थोड़ी बोलता है कि उसने किसी का खून किया है। यामिनी डायना की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरे युग बाबू को खूनी क्यों बोल रही हो डायना, वो कभी किसी को नहीं मार सकते हैं, तुम ही बताओ भला वो कछुए को क्यों मारेंगे? डायना झट से यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि युग एक भक्षानर का वंशज है और अब खुद भी भक्षानर बन चुका है, तुम कैसे भूल सकती हो कि आज पूर्णिमा की रात है, उसे तो खून और मांस की तलब लगी ही होगी ना, और उसी तलब को बुझाने के लिए युग ने कछुए को मार दिया, उसके मांस का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा उसने, तभी तो हमें उसकी बॉडी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं डायना ये सच नहीं है, सच कुछ और ही है, युग बाबू कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरा यकीन करो। डायना पलट कर कहती है, यकीन तुम मेरी बात का करो यामिनी,
तुम्हारी आंख पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे खोलो और सच्चाई को कबूल करो। युग ने ही कछुए को मारा है, तभी तो वो कुछ बोल नहीं रहा है। यामिनी धीरे से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ती है, नहीं नहीं युग बाबू कभी किसी को नहीं मार सकते, मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती। डायना यामिनी को घूरते हुए कहती है, पर आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी यामिनी। क्या कहा? युग कभी किसी को मार नहीं सकता। तुम्हें याद है ना, पुजारी जी ने खुद युग को शिकार करते हुए देखा था, तभी तो उन्होंने इसे कुटिया से निकाल दिया था। यामिनी अभी भी युग का साथ देते हुए कहती है, वो सब युग बाबू ने शक्तियां पाने के लिए किया था, ताकि वो हमें बचा सके उस काले साए से। पर तुमने देखा था ना, पिछली अमावस्या की जो रात बीती थी, उस रात युग बाबू ने किसी का शिकार नहीं किया था। डायना तुरंत बोल पड़ती है, उस अमावस्या की रात शिकार नहीं किया था, तभी तो इतनी तलब बढ़ गई युग की। आज पूर्णिमा की रात उसने कछुए का ही शिकार कर दिया, ये तक नहीं देखा कि वो उसका दोस्त है और अपने ही दोस्त को मार दिया। यामिनी पलट कर कुछ बोल ही नहीं पाती है। डायना के जवाबों ने उसे खुद कटघरे में खड़ा कर दिया था और युग को गुनहगार मानने के लिए मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु को भी युग की तरह ही गहरा सदमा लगा था कछुए की मौत का, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे भी ये यकीन करने में दिक्कत हो रही थी कि युग ने कछुए को मार दिया था। पलक अभिमन्यु के बगल में ही खड़े होकर उसे सहारा दे रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। रजन फिर बोल पड़ता है, इससे पहले कि ये भक्षानर युग किसी और को मारे, हमें मिलकर इसे मार देना चाहिए, ताकि फिर किसी और की मौत ना हो। रजन युग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तुम सब रहने दो, मैं ही इसे खत्म कर दूंगा, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहकर रजन गुस्से के साथ युग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी रजन युग के पास पहुंचा ही था कि तभी यामिनी युग के सामने जाकर खड़े हो जाती है और रजन को धमकी देते हुए कहती है, खबरदार, अगर आपने अब एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। रजन जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। यामिनी फिर बोल पड़ती है, अगर किसी ने भी मेरे युग बाबू को हाथ तक लगाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रजन यामिनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यामिनी बेटी तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही हो, हटो सामने से और खत्म करने दो मुझे इस भक्षानर के वंशज को। यामिनी रजन को घूरते हुए कहती है, सुना नहीं मैंने क्या कहा, दूर हो जाओ मेरे युग बाबू से। यामिनी का गुस्सा देखकर रजन चुप हो जाता है। यामिनी रजन से कहती है, आप चले जाइए यहाँ से। रजन अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा यामिनी बेटी तुमने, मैं चले जाऊं, जाना मुझे नहीं, इस युग को चाहिए यहाँ से। यामिनी फिर बोल पड़ती है, मैंने कहा चले जाइए, ये हम दोस्तों के बीच का मामला है और इसका निपटारा हम खुद कर सकते हैं, बाहर वाले किसी को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। रजन हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या कहा, बाहर वाला, मतलब मैं बाहर वाला हूँ। यामिनी कहती है, हाँ बाहर वाला, भूलिए मत आपने क्या किया है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मौके का फायदा उठाकर हमदर्दी पाने की सोचना भी मत। रजन पलट कर कहता है, मैं कोई हमदर्दी पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यामिनी बेटी, मैं तो बस। रजन अपनी बात पूरी करता उससे पहले यामिनी उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ती है, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चले जाइए यहाँ से, भूलिए मत अगर मैं श्राप तोड़ सकती हूँ तो वापस दे भी सकती हूँ, इसलिए आपका हित इसी में होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। पलक मन में सोचने लग जाती है, ये रजन तो यामिनी के बाबा है ना, ये अपने बाबा से ऐसे बात क्यों कर रही है, आखिर इनके बीच हुआ क्या है। रजन मायूसी के साथ कहता है, मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया था यामिनी बेटी, पर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर एक दिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी, देखना तो। इतना कहकर रजन वहां से चले जाता है। जैसे ही रजन वहां से जाता है, यामिनी फिर युग के पास जाती है और फिर उससे बोल पड़ती है, अब तो कुछ बोलिए युग बाबू, कछुआ कहाँ पर है। डायना फिर गुस्से के साथ कहती है, इसने मार दिया है यामिनी कछुए को, ये युग कुछ नहीं बोलने वाला है। यामिनी के साथ ही अभिमन्यु और पलक भी युग से पूछने लग जाते हैं कि कछुआ कहाँ पर है, पर युग को इतना ज्यादा गहरा सदमा लगा था कि वो किसी के सवाल का कुछ जवाब ही नहीं देता है, बस जिंदा लाश की तरह वहां पर बैठे रहता है। जिसके दिल की धड़कन तो चल रही थी, पर वक्त उसके लिए थम सा गया था। उसके कानों में अभी भी कछुए की चीख और आंखों के सामने कछुए की तलवार से कटती हुई गर्दन नजर आ रही थी। कछुए की दर्द भरी कराहती हुई आवाज की गूंज बार बार सुनते हुए युग अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी थी। युग मन में सोचता है, काश उस रात मैंने अपने दोस्तों से कुछ कह दिया होता तो शायद वो मुझे कछुए की मौत का गुनहगार नहीं ठहराते, पर उस रात मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। युग एक लंबी आह भरते हुए फिर मन में सोचता है, जिंदगी में कभी कभी हम सही वक्त पर सही बात किसी को बता नहीं पाते हैं।
सोचते हैं आगे चलकर बताएंगे जब सही वक्त आएगा, पर वो सही वक्त कभी आता ही नहीं है और वक्त निकल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस रात सब लोग मुझसे पूछते रहे कि कछुआ कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ, पर मैंने किसी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दिया। अपने ही दर्द में खोया रहा और जब कुछ दिनों बाद सोचा कि सबको सच बताऊं, तब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। सब मान चुके थे कि मैंने कछुए का खून किया है। मेरा दोस्त अभिमन्यु, जो मुझ पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता था, मैंने सोचा था मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा, पर जब सच बताने गया तो वो था ही नहीं, वो भी मुझसे दूर हो चुका था। अब तो यामिनी को भी यही लगने लग गया है कि मैंने कछुए को मारा है, बल्कि उसे तो मैं कितनी बार उस रात का सच बता चुका हूँ, पर वो भी औरों की तरह मुझ पर यकीन नहीं करती है और मुझे मेरे ही दोस्त का खूनी समझती है। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रो रो कर युग की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसका गला रुंध गया था। युग बिस्तर पर लेटा ही हुआ था कि तभी उस कमरे में यामिनी आ जाती है। यामिनी को आता हुआ देखकर ही युग तुरंत अपनी आंखों के आंसू पोंछने लग जाता है। यामिनी कमरे के अंदर आते हुए युग से कहती है, युग बाबू आप अभी तक सोए नहीं, मुझे तो लगा था कि अब तक आपको नींद आ गई होगी। युग बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, बस यामिनी सोने की कोशिश कर रहा था पर कमबख्त नींद ही नहीं आ रही थी। यामिनी बड़े प्यार से युग से कहती है, मेरे बिना आपको नींद कहाँ आने वाली है युग बाबू। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर युग की आंखों पर पड़ जाती है जो कि पूरी तरह लाल थी। यामिनी तुरंत युग से पूछ पड़ती है, आप रो रहे थे युग बाबू। युग यामिनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं यामिनी मैं भला क्यों रोऊंगा, वो भी तुम्हारे होते हुए। यामिनी बड़े प्यार से कहती है, आप फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हैं युग बाबू, आपको पता है ना आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, बताइए क्या बात है। युग कहता है, कुछ बात नहीं है यामिनी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ तो बात है युग बाबू, आपकी आंखें और आपकी आवाज इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं, बोलिए ना क्या हुआ। युग कहता है, कुछ नहीं हुआ यामिनी, छोड़ो ना ये सब, तुम भी कहां मेरी आंखों के पीछे पड़ी हो। यामिनी पलट कर कहती है, आंखों के पीछे पड़ना जरूरी है युग बाबू, इन आंखों में ही तो मेरी दुनिया बसती है, इसी से तो मेरा जहान है। युग खामोशी रहता है। यामिनी युग के बगल में ही बैठती है और उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए बड़े प्यार से कहती है, युग बाबू आपके दिल में कोई बात है तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, कभी कभी ना हमें अपना दर्द बांट लेना चाहिए, उससे दर्द मिटता तो नहीं है पर उस दर्द को सहने की शक्ति जरूर बढ़ जाती है, मन हल्का हो जाता है दिल की बात कहने से। युग भी बड़े प्यार से कहता है, यामिनी मेरे दिल की सारी बात तो तुम जानती ही हो, अब क्या कहूँ मैं तुमसे। यामिनी बिस्तर पर लेटते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, अगर आपको कुछ नहीं कहना तो कोई बात नहीं, मैं तो चली सोने, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कहकर यामिनी बिस्तर पर लेटने लग जाती है। युग भी यामिनी के बगल में ही लेट जाता है। युग और यामिनी दोनों ही पीठ के बल बिस्तर पर लेटे हुए थे और छत की तरफ देख रहे थे। युग तो एकटक नजर से छत की तरफ देख रहा था, पर यामिनी अपनी नजरें टेढ़ी करके बार बार युग की तरफ देख रही थी, पर युग उसकी तरफ जरा सा भी देख ही नहीं रहा था। यामिनी फिर युग से बोल पड़ती है, युग बाबू आप ठीक तो है ना। युग कहता है, हाँ यामिनी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। यामिनी नाटक के साथ कहती है, अगर ठीक है तो छत की तरफ क्या देख रहे हैं, मैं तो यहाँ पर हूँ, आपको तो मुझे देखे बिना नींद नहीं आती ना, फिर छत की तरफ क्यों देख रहे हैं। युग प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, यामिनी तुम भी ना। इतना कहकर युग राइट साइड मुड़ जाता है। यामिनी भी युग की तरफ मुड़ जाती है। अब दोनों का ही चेहरा एक दूसरे की तरफ था। युग और यामिनी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। युग अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लग जाता है, पर हर 3-4 सेकंड में वो अपनी आंखें खोल देता था, जैसे कोई बात हो जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो, सोने नहीं दे रही हो। ये बात यामिनी ने युग को देखकर ही नोटिस कर ली थी। यामिनी अगले ही पल अपना हाथ युग के गाल पर फेरते हुए कहती है, युग बाबू मुझे पता है आप काफी परेशान है, बताइए ना क्या बात है। युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, यामिनी काफी वक्त से मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था पर कैसे पूछूं समझ नहीं आ रहा था। यामिनी हंसते हुए कहती है, मुंह से पूछिए युग बाबू, भगवान ने ये मुंह हमें बोलने के लिए दिया है, सिर्फ किस करने के लिए थोड़ी दिया है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी मैं कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ, तुम मजाक मत करो। यामिनी कहती है, हाँ हाँ तो बोलिए ना युग बाबू, मैं भी तो सीरियस बात ही कर रही हूँ, किस भी तो सीरियस बात ही है। युग नाराजगी के साथ कहता है, रहने दो यामिनी, मुझे ना तुमसे कुछ नहीं कहना। यामिनी युग को मनाते हुए कहती है, माफ कर दीजिए मेरे युग बाबू,
अब पक्का मजाक नहीं करूंगी। कहिए क्या पूछना था आपको मुझसे? युग सीरियस होकर अपना सवाल पूछने के लिए तैयार था, तो वहीं युग के चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर यामिनी भी सीरियस होने लग जाती है और वो युग के सवाल पूछने का वेट करने लगती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यामिनी भी सीरियस होने लग जाती है और वो युग के सवाल पूछने का वेट करने लगती है। युग कुछ सीरियस होते हुए यामिनी से कहता है, यामिनी तुम्हें वो रात याद है जब सप्तम चक्र के पास चारों तरफ धुआं छा गया था और तुम और मैं पूरी तरह उस काले साए की गिरफ्त में थे? वो तुम्हारा गला दबा रहा था और उसने मेरी कलाई पकड़ कर रखी हुई थी। यामिनी भी सीरियस होते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, मुझे वो रात अच्छे से याद है, मैं उस रात को कैसे भूल सकती हूँ भला। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, यामिनी उस रात की एक बात है जो मैंने अब तक नहीं बताई। उस रात में धुआं छाने के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में चले गया हूँ और वहां पर मुझे बस काला साया नजर आया, वो भी भक्षानर के रूप में। उस रात उसने मुझसे कई बातें की थी। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, कैसी बातें युग बाबू? युग यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसने मुझे मेरे अतीत से मुलाकात कराई यामिनी, मुझे अपने आप से रूबरू कराया, मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। यामिनी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, युग बाबू आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। युग बड़ी चालाकी के साथ कहता है, तुम्हें अभी सब समझ में आ जाएगा यामिनी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए तुरंत युग से कहती है, कैसा सवाल युग बाबू? युग यामिनी को घूरते हुए भारी आवाज में पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि घाट पर जो औरतों के शिकार अमावस्या पूर्णिमा की रात होते थे वो कौन करता था? जैसे युग यामिनी से ये सवाल पूछता है यामिनी घबराने लग जाती है। यामिनी की ये घबराहट उसके माथे पर उभरती पसीने की बूंदों से साफ समझ आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदलने लग जाते हैं। यामिनी बस घबराते रहती है, युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। युग उसी वक्त उठकर बैठता है और यामिनी को भी उठाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, बोलो यामिनी, क्या तुम्हें पता था उन औरतों के शिकारों के पीछे कौन था? यामिनी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस घबराते रहती है। युग अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे कहता है, वो मैं था ना यामिनी, मैंने ही उन औरतों के शिकार किए थे ना। युग अपने सीने के भीतर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, उस काले साए ने उस रात मुझे यही बताया था कि मैं भी उसी की तरह हूँ, एक भक्षानर। उसे मुझे भक्षानर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं तो पहले से ही एक भक्षानर बन चुका था और मैंने ही उन औरतों के साथ संभोग करके उनके शिकार किए थे। यामिनी की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग जाती है पर वो कुछ कहती नहीं है। युग फिर बोल पड़ता है, उस काले साए ने उस रात मुझे ये भी बताया यामिनी कि तुम्हें पता था कि उन औरतों के शिकार के पीछे मैं ही हूँ, तुमने खुद एक रात मुझे घाट पर शिकार करते देखा था। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। यामिनी का दिल और जोरों से धड़कने लग जाता है। कमरे के अंदर सन्नाटा छाने की वजह से युग यामिनी के दिल की धड़कन एकदम साफ सुन पा रहा था। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो यामिनी, बोलो क्या ये सब सच है? यामिनी बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू जो हो गया सो हो गया, आप इन सब बातों को अब क्यों याद कर रहे हैं, इन बातों से अब कुछ नहीं होने वाला है। युग अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, इन बातों से ही बहुत कुछ होने वाला है यामिनी, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, बोलो क्या तुम्हें पता था कि मैं औरतों के शिकार करता था? यामिनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू मुझे पता था। युग तुरंत यामिनी से पूछ पड़ता है, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे कभी बताई क्यों नहीं यामिनी? यामिनी खामोश रहती है, युग से कुछ नहीं कहती है। युग यामिनी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो यामिनी, बोलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर तुम सब कुछ जानती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया कि मैं भक्षानर बहुत पहले ही बन चुका था? यामिनी युग के सवालों से तंग आते हुए आक्रोश के साथ बोल पड़ती है, क्योंकि मैं खुद उस वक्त ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी युग बाबू की औरतों के शिकार जो आप कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं या फिर कोई और आपसे करवा रहा है।
आप जानते हैं वो आप नहीं थे, आपके अंदर वो काला साया समाया हुआ था, वो आपके अंदर घुसकर औरतों की शिकार कर रहा था, ना कि आप। युग शांति के साथ यामिनी की सारी बातें सुनते रहता है, उसे बीच में बिल्कुल नहीं टोकता है। यामिनी युग को सारी बात बताते हुए कहती है, युग बाबू आप खुद ही सोचिए ये बात मैं आपको कैसे बता देती। अगर ये बात उस वक्त मैंने आपको बता दी होती कि शालिनी का शिकार करने वाला कोई और नहीं आप ही हैं, तो आप अंदर से टूट जाते, खुद अपने आप से नफरत करने लग जाते, अपने आप को भला बुरा कहने लग जाते, और मैं आपको टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। युग नम लहजे के साथ कहता है, पर यामिनी तुम्हें पता था ना कि हम लोग कितने परेशान हो रहे थे इस बात का पता लगाने के लिए कि औरतों की शिकार कौन कर रहा है, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। यामिनी कहती है, युग बाबू मुझे सब पता है, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस समय हालात बहुत खराब थे, हम लोग और भी बहुत सारे राज की बातों का पता लगाने में व्यस्त रहते थे। मैं आपको कुछ बताती उससे पहले ही उस काले साए ने खुद आपका शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि वो कमजोर हो रहा था, इसी वजह से फिर मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। युग यामिनी से कुछ कहने वाला था कि उससे पहले यामिनी बड़ी ही हमदर्दी भरे लहजे में युग से कहती है, एक और बात युग बाबू जो आप हमेशा याद रखना, ना आप कभी बुरे थे ना आप कभी बुरे बनेंगे। उन औरतों के शिकार आपने अपनी मर्जी से नहीं किए हैं, बल्कि उस काले साए ने आपसे कराए थे, इसलिए आप अपने आप को बुरा भला मत कहिए, आप उसकी तरह भक्षानर बिल्कुल नहीं है, समझे आप। युग नम लहजे के साथ कहता है, सच में यामिनी मैं भक्षानर नहीं हूं ना। यामिनी बड़े प्यार से युग से कहती है, नहीं युग बाबू आप भक्षानर ना पहले थे ना अब हैं ना कभी बनेंगे, आप तो बस मेरे युग बाबू हैं, समझे आप। इतना कहकर यामिनी युग को अपनी बाहों में भर लेती है, युग भी यामिनी को अपने सीने से सटा लेता है और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो जाते हैं। 4 घंटे पहले इस तरफ कुटिया के अंदर कार्तिक पुजारी फर्श पर ही बैठकर गीता का पाठ कर रहे थे। वर्चस्विनी और तारा उनके सामने ही हाथ जोड़कर बड़ी उमंग के साथ गीता के पाठ को सुन रहे थे। कार्तिक पुजारी गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहते हैं, ध्यायतो विश्यान पुसः संगस्ते पूष पजायते संगात जायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी और तारा दोनों को बारी बारी देखते हुए श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन से उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, आसक्ति मतलब पुजारी जी? कार्तिक पुजारी जवाब देते हैं, आसक्ति मतलब लगाव वर्चस्विनी बेटी, आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए व्यक्ति को इन सब चीजों से दूर रहकर सदैव कर्म करते रहना चाहिए। कार्तिक पुजारी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी वहाँ पर बिंदु आ जाती है। बिंदु आते ही कार्तिक पुजारी से कहती है, पुजारी जी भोजन तैयार है, आप आदेश दें तो मैं सबके लिए थाली लगा दूं। कार्तिक पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिंदु बेटी लगा दो। बिंदु दूसरे कमरे में बैठक की तैयारी करने चली जाती है। बिंदु के जाते ही कार्तिक पुजारी भी अपनी जगह पर से उठने लग जाते हैं। वर्चस्विनी और तारा भी उठने लग जाते हैं। जैसे ही कार्तिक पुजारी उठते हैं, वर्चस्विनी तारा के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए मायूसी के साथ कार्तिक पुजारी से पूछती है, पुजारी जी आपको नहीं लगता कि काफी वक्त हो गया है और तारा की सेहत में अब तक कोई बदलाव नहीं आया? मुझे तो वो अभी भी वैसी ही लग रही है जैसी पहले थी, उसकी आवाज। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी को समझाते हुए कहते हैं, वर्चस्विनी बेटी लगता है तुम भागवत गीता का पाठ सुन तो रही हो पर उसके पाठ का पालन नहीं कर रही हो। वर्चस्विनी खामोश रहती है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी तरह मैं तो बस तारा की आवाज लाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी सब तो फिर महादेव के ऊपर है कि वो तारा के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कब बरसाते हैं, जैसा जब वो चाहे वैसा तब होवे। वर्चस्विनी हिचकिचाहट के साथ फिर बोल पड़ती है, पर पुजारी जी बल्लू काका को भी तो गए हुए काफी वक्त हो गया है ना, आपने तो उन्हें तारा के लिए जड़ी बूटियां लेने तभी भेज दिया था जब तारा को होश आया था, तब से लेकर आज तक 2 साल हो गए, हमें बल्लू काका की कोई खबर नहीं है, वो जड़ी बूटियां लेकर आएंगे भी कि नहीं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, वो जरूर लेकर आएंगे वर्चस्विनी बेटी, मुझे बल्लू पर पूरा विश्वास है। वर्चस्विनी कुछ गुस्से के साथ कहती है,
आपने आखिर उन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है पुजारी जी, जिसे लाने में उन्हें इतना वक्त लग रहा है? कार्तिक पुजारी बात को छुपाते हुए कहते हैं, जब वो आएगा तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा वर्चस्विनी, तब तक सब्र करो। जिस मानव ने सब्र करना सीख लिया उसने सब कुछ जीत लिया। बिंदु फिर उस कमरे में आ जाती है और कार्तिक पुजारी से कहती है, पुजारी जी चलिए मैंने अंदर चटाई बिछा दी है। कार्तिक पुजारी बिंदु के साथ दूसरे कमरे में जाते हैं। फर्श पर ही चटाई बिछी हुई थी जिस पर कार्तिक पुजारी जाकर बैठ जाते हैं। वर्चस्विनी और तारा भी उनके बगल में ही बैठ जाते हैं। बिंदु रसोई घर के अंदर जाती है और भोजन के पत्तल लेकर आने लग जाती है। अभी बिंदु पत्तल कार्तिक पुजारी के सामने रखने ही वाली थी कि तभी कार्तिक पुजारी बिंदु से बोल पड़ते हैं, अरे बिंदु बेटी, मंदिर की सीढ़ियों पर जो भिखारी रहता है तुम उसे भी भोजन देकर आ जाओ, वो भी बेचारा भूखा होगा। बिंदु पत्तल कार्तिक पुजारी के सामने रखते हुए कहती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए पुजारी जी, आपके कहने से पहले ही मैं उसे भोजन देकर आ गई थी, अब तक तो उसने भोजन कर भी लिया होगा। कार्तिक पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बिंदु बेटी। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी को घूरते हुए कहती है, पुजारी जी आप एक बात बताइए, आप उस भिखारी के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? आप हमेशा खुद खाना खाने से पहले उसके बारे में पूछते हैं, आखिर वो भिखारी है कौन? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वो वरुथी है वर्चस्विनी बेटी। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, वरुथी मतलब पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वरुथी यानी भगवान का सेवक, सिर्फ भगवान का नहीं उनके अंशों का भी। वर्चस्विनी कुछ चिढ़ते हुए कहती है, पुजारी जी आपको ना पता नहीं वो कहां से भगवान का सेवक लगता है, मुझे तो वो चोर लगता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इससे पहले भी उसे देखा था, वो मेरे घर के आसपास ही भटकता रहता था और ऐसा लगता था जैसे वो तारा के पीछे पड़ा हुआ हो, उसका किडनैप करना चाहता हो। और देखिए जब मैं यहाँ कुटिया में रहने आई तो वो भी यहाँ पर आ गया, मुझे तो उससे डर लगता है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, उससे डरने वाली कोई बात नहीं है वर्चस्विनी बेटी, बल्कि वक्त आने पर वो ही हमारे सबसे काम आने वाला है और सबसे ज्यादा तारा के, देखना तुम। वर्चस्विनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं पुजारी जी को क्या दिखता है उस भिखारी में, मुझे तो वो एक नंबर का छटा हुआ बदमाश लगता है। बिंदु रसोई घर के अंदर से खाने के पात्र लेकर आती है और सबको खाना परोसने लग जाती है। बिंदु ने दाल चावल बनाए थे जिसे कार्तिक पुजारी, तारा और वर्चस्विनी लुत्फ उठाते हुए खाने लग जाते हैं। बिंदु सबको खाना खिलाने के बाद आखिरी में खाना खाती थी, यही उसका डेली का रूटीन था। वर्चस्विनी जब खाना खा लेती है तो वो हाथ धोने से पहले अपनी उंगलियां एक एक करके चाटने लग जाती है, जिस कारण उसके मुंह पर भी चावल के कुछ दाने लग जाते हैं। ये देखकर बिंदु कसकस कर हंसने लग जाती है। वर्चस्विनी बिंदु से हिचकिचाहट के साथ पूछती है, अब क्या हुआ बिंदु, तुम हंस क्यों रही हो? बिंदु अपने हाथ से ही वर्चस्विनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपको पता है वर्चस्विनी जी ऐसे कौन खाना खाता था? वर्चस्विनी अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहती है, कौन खाता था? बिंदु पलट कर कहती है, कछुआ, ऐसे कछुआ खाना खाता था अपनी उंगलियां चाटते हुए, लगता है कछुए ने ही आपको ऐसे खाना खाना सिखाया है। वर्चस्विनी हंसते हुए कहती है, हाँ उसी ने सिखाया बिंदु, उसने भी मुझे पूरी अपनी तरह ही बना दिया है। इतना कहकर वर्चस्विनी हंसने लग जाती है। कार्तिक पुजारी भी मुस्कुराने लग जाते हैं। कछुआ की हरकतें याद करके बिंदु और वर्चस्विनी दोनों कसकस कर हंसने लग जाते हैं। बिंदु और वर्चस्विनी हंस ही रहे थे कि हंसते हुए वर्चस्विनी की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों के आंसू साफ दिखने लग जाते हैं और वो हंसना बंद कर देती है। बिंदु हमदर्दी के साथ वर्चस्विनी से पूछती है, क्या हुआ वर्चस्विनी जी, आपकी आंखों में ये आंसू कैसा? वर्चस्विनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस कछुए की याद आ गई थी बिंदु। बिंदु भी कुछ मायूस होते हुए कहती है, कछुए की याद तो मुझे भी आती है, वो नौटंकी था पर दिल का बहुत साफ था, जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें करता था ताकि अपने दोस्तों को हंसा सके, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। वर्चस्विनी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए कहती है, और उसके ही एक दोस्त ने उसकी जान ले ली, काश उस रात कछुआ यहीं पर हमारे साथ रुक जाता। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, उस युग ने मार दिया कछुए को। बिंदु कहती है, सिर्फ कछुए को कहा, उसने तो बाकी सबको भी मारा है। कछुए के जाने के बाद ही तो अभिमन्यु, डायना, पलक, किसी का कोई फोन नहीं आया, ना किसी की कोई खबर मिली, सब कहां गायब हो गए उनका कुछ पता ही नहीं चला, वो कहां हैं, कैसे हैं, उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। ये एक राज बन गया और इसी राज से पर्दा उठाने के लिए कायर भी ग्रेवयार्ड को उठी गया था। मैंने मना भी किया था कि मत जा पर वो नहीं माना, और देखो वो आज तक लौट कर नहीं आया। वर्चस्विनी कहती है, मेरे ख्याल से तो उस युग ने कायर को भी।
सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।